Alright, so off we go. So right now on 80. So 80, 85, 90. 90 तो मैं मिनिमम मेंटेन करने की कोशिश करूंगा. तो भाई ने चैलेंज किया है कि ये पुरानी बाइक है, इट्स 2007 स्टैंडर्ड, कि ये 100 किलोमीटर राइड नहीं कर सकती कॉन्टिन्यूसली. इस चैलेंज को कंप्लीट करने में ही 1500 का फ्यूल लग जाएगा, शायद इतना भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर जाऊंगा और 100 आऊंगा अभी तो 200 हो जाएंगे, या 50 जाऊंगा या 50 आऊंगा तब भी 100 हो जाएगा. तो 35 की तो एवरेज फ्यूल एवरेज इसकी मिनिमम है. अगर 30 भी लगाएंगे तब भी 110 रुपये पेट्रोल होने के बाद, मतलब 4 रुपये एक किलोमीटर के पड़ेंगे मुझे, 4 रुपये. अगर 100 किलोमीटर में अप डाउन करता हूँ देन इट विल बी 400 रुपीज, अगर 200 कर दिए देन 800. वेल इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स जस्ट अबाउट द ऑनर मैन. क्योंकि ये बाइक मुझे पता है ये कर सकती है, उसको लगता है नहीं कर सकती है. सो एज यू गाइस कैन सी कि आई एम क्रूजिंग ऑन 100, तो 100 की स्पीड मेंटेन करके चलूँगा मैं फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 100 किलोमीटर. अगर ट्रैफिक आती है देन वो एक मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ चैलेंज आई थिंक. हाँ, बाद में वो रोएगा पैसे देने के टाइम की, भाई 100 किलोमीटर चली है लेकिन बीच में स्लो डाउन हो गई थी. अच्छा भाई, ट्रैफिक के ऊपर से थोड़े ना उड़ के चला जाऊँगा, ठीक है ना. इट्स नॉट एरोप्लेन कि हवा में चल रहा है कि भाई ट्रैफिक नहीं है, एक स्पीड मेंटेन करके आप चल सकते हो. यहाँ तो इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक रहती है रोड पे, तो वहाँ पे स्लो डाउन तो करना ही पड़ेगा. लेकिन उसके लिए इतना कर सकता हूँ कि आई एम गोना क्रूज इट एट 110 नाउ. ऑलराइट, लुक एट दिस. अरे भाई, अभी भी ना ये बाइक पूरी अटेंशन ग्रैब करती है लोगों की. अरे देखो, ये ट्रैफिक आ गया तो यहाँ पे 80 पे गई है दोबारा, और 80 से ही हमने पुल अप कर लिया. लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट. आई होप आई कैन, बिकॉज अब नई बाइक्स तो अभी आई है ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. सुखविंदर भाई ने ली है नई बाइक, ठीक है, और ही हेट्स रॉयल एनफील्ड, इवन ही ऑन्स वन, लेकिन उसको लगता है कि KTM का कोई मुकाबला नहीं है, KTM ही चलती है भाई, KTM ये KTM वो, या लिक्विड कूल्ड इंजन जो है वो बेस्ट है राइडिंग के लिए, विच इज़ सेंसिबल. मुझे भी लगता है कि वो सही बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि हमारी पुरानी बाइक कुछ कर नहीं सकती है, ये यूजलेस हो गई है अब. मतलब अभी भी आप लेके निकलो बाज़ार में, लोकल निकलो तो लोग ऐसे दिखते हैं, मतलब रैबिट की तरह कान खड़े हो जाते हैं उनके. अब 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. अब कम से कम 20 किलोमीटर में निकाल चुका हूँ. आई होप यू गाइस कैन हियर दैट हेलीकॉप्टर हम. ये पुराने इंजन रॉ इंजन है, मतलब इनमें रॉ पावर रहती है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, रॉ पावर है. कोई सेंसर नहीं है, कोई लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है. ये ले भाई, दोबारा लगा दी 80 पे. 85 पिकअप भी ठीक ठाक है, हालांकि स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड मतलब इसको आप भगा नहीं सकते ज़्यादा, भगाना भी नहीं चाहिए. ये लोकल कम्यूटर है, आप लोकल इसको चला सकते हो. लेकिन सुखी भाई को ये कहना चाहूँगा कि जब लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं थे, जब KTM नहीं था, जब क्लासिक नहीं था, जब हिमालयन नहीं था, यही लद्दाख जाता था भाई, लोग इसी पे ही हिमालय को जो एडवेंचर पे जाते थे, एक्सप्लोर करते थे, तब यही तो बाइक थी एक.
जो क्लासिक आई है वो बेहतरीन बाइक है, उसका जो टेस्ट ड्राइव है, टेस्ट राइड, वो आपको जल्दी चैनल पे देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत लेट हो गए हैं हम, बट स्टिल ऐसा रिव्यू बनाऊंगा, उसकी ऐसी वीडियो बनेगी कि दैट विल वर्थ द वेट। सक्सेसफुली कंप्लीटेड 43 किलोमीटर। अब इस बाइक में वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा रहती हैं ना कि अगर इसको आप लॉन्ग रूट पे लेके जाओ, तब इसको क्रूज करो आप 70-80 पे। 70-80 पे इसकी जो वाइब्रेशंस है वो रहेंगी नॉर्मल, लेकिन अगर इसको आप ऐसे 100 पे क्रूज करोगे ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, तब वाइब्रेशंस पीक पे चली जाती हैं। ले भाई वापस आ गए 80-90 पे। होली शिट, ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा है। यहाँ से कैसे जाऊँगा मैं? अरे शिट, लुक एट दिस, लुक एट दिस, इसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा। ओह शिट, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है भाई। शिट मैन, यार मारुति वालों देखो टोयोटा को कितना कम नुकसान हुआ है। हालांकि हुआ ज़रूर है, लेकिन टोयोटा स्टार्ट है अभी भी, और इसका तो भाई ख़त्म ही हो गया, ये ख़त्म ही हो गई। टोयोटा का बहुत कम नुकसान हुआ था, लेकिन ये मारुति की थी गाड़ी, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी भाई। मतलब इंजन भी पूरा अंदर चला गया था उसका। Damn. बहुत बुरा हुआ। आई होप ऑल ऑफ देम आर सेफ, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू राइड एंड ड्राइव सेफ। जैसे मैं भी अब क्रूज तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेफ्टी अपनी देख रहा हूँ। अगर खाली सड़क है वहीं पे क्रूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक दिखता है। आई अप्लाई ब्रेक्स, बोथ ब्रेक्स टुगेदर, दोनों ब्रेक्स को एक साथ यूज़ करें, अच्छी ब्रेक्स यूज़ करें। ये सबसे बड़ी कमी है इस बाइक की, सबसे बड़ी कमी वो यही है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो ज़ीरो है, ज़ीरो। इसको आप भगा लो ये रुकेगी नहीं, क्योंकि इसका वजन ही बहुत ज़्यादा है। ड्रम्स ब्रेक्स हैं यार, वो ड्रम्स ब्रेक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो अगर ड्रम्स ब्रेक अब भी आ रही है ना गाड़ियों पे, तो समझ लो कंपनियों का आपसे को लेना देना नहीं, आपकी जान से को लेना देना नहीं है, सेफ्टी से को लेना देना नहीं है। हालांकि गाड़ियों में चल जाते हैं, क्योंकि उसकी आगे की जो ब्रेक्स रहती हैं वो रहती हैं डिस्क ब्रेक्स, लेकिन बाइक्स में वो आगे की देते हैं डिस्क ब्रेक। हालांकि पीछे की डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, मोस्टली लोग पीछे की जो ब्रेक है वो ही अप्लाई करते हैं, आगे की ब्रेक अप्लाई नहीं करते, सही है ना? तो जितनी भी बाइक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, आगे की एक डिस्क ब्रेक दे देते हैं, बात ख़त्म, वहीं पे ख़त्म। ऐसा नहीं कि आप पीछे डिस्क ब्रेक दो, आगे ड्रम दे दो, आगे की ब्रेक कौन यूज़ करता है इतनी ज़्यादा, सब पीछे की ब्रेक से यूज़ करते हैं A to Z। 99% जो राइडर्स हैं या ड्राइवर्स हैं वो पिछली ब्रेक यूज़ करते हैं, आगे की बहुत कम यूज़ करते हैं वो लोग। तो भाई साहब वी आर वेरी क्लोज टू टारगेट, वेरी वेरी क्लोज टू टारगेट। चक्कर क्या है ना, ये रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, अगर दिक्कत होती है तो। यार 80 की स्पीड बहुत सही है इस बाइक के लिए, बहुत सही। आज पता चला मुझे कि 80 नॉर्मल है इस बाइक के लिए।
100 रिस्की है, 90 बिट रिस्की, लेकिन 80 नो प्रॉब्लम एट ऑल, रुक भी जाती है स्पीड पे। ऑल राइट, तो वी हैव ए ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल का ये नहीं कि आप बस क्रूज करके सीधा निकल जाओ, ऐसे भी होते हैं। ये देखो आप, वो रेड लाइट में ही निकल के आ गया भाई। भाई बाइक में आ रही है दिक्कत, बाइक हो रही है बार बार बंद, कुछ ज़्यादा ही बंद हो रही है, तो कुछ सीरियस दिक्कत हो रही है बाइक में। तो दिक्कत आ रही है यार, वहाँ पे ना ऑयल गिरा हुआ है, ऑयल लीकेज हो रही है, ये चेक करो आप। वो पूरा टायर भर गया भाई ऑयल के साथ। कितने किलोमीटर आए हैं जी, तो टोटल हो गए हैं जी 87, 13 किलोमीटर और ज़्यादा निकालने हैं बस, इसके बाद वी आर ओके। हाँ तो भाई 100 किलोमीटर तो निकाल दिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ना ये सारा इंजन ऑयल लीक हो गया, वहाँ से जो एक अंदर नट रहता है इसका, ये चेक करो आप, पूरा इंजन ऑयल दिखाई दे रहा है आपको। लुक एट दिस। तो भाई इसका तो हो गया काम, इसकी अब सील डलेगी, ऑयल लीक हुआ था वो सील फट जाती है, मतलब जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना बाइक, तब जब, वैसे भी वो अब तक मैंने डलवाई नहीं थी, सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 14 साल से वो सील टिकी हुई थी, लेकिन अब वो नहीं डलेगी, अब बाजी डाल रहे हैं। बाय द वे 100 किलोमीटर हो चुके हैं भाई नॉन स्टॉप। तो 100 किलोमीटर होने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो एक ऑयल सील जो थी वो लीक हो गई थी, उसके लीक होने के काफ़ी कारण थे। एक तो वो ओरिजिनल ही थी, जब से बाइक आई है शोरूम से, मीन सिंस 2007 से लेके अब तक वो टिकी हुई थी समहाउ। वो जो ऑयल सील थी इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, 30 रुपये की ऑयल सील है, जिसने डाली उसने 30 रुपये लिए, तो 60 रुपये में हमारा काम हो गया। 60 रुपये में ब्रांड न्यू सील जो थी वो डल गई थी बाइक की। तो अब देखते हैं हमें पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये भी अब मुद्दा बन जाएगा। बट एनीवेज मुझे लगता है कि ये चैलेंज हम जीत चुके हैं, बाकी एक्सक्यूज देखते हैं उनके, क्या एक्सक्यूज़ है क्या नहीं।